राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर बृहस्पतिवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक परिसर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर दर्जनों लोगों ने इस महादान कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए अपना स्वैच्छिक रक्तदान किया और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। इस संबंध में CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि रक्तदान करना महादान है, एक यूनिट रक्तदान करने से हम 4 लोगों की जिंदगी बचाते हैं। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को शुभकामनाएं और बधाई भी दी। रक्तदान कराने में जिला अस्पताल ब्लड बैंक के सीनियर लैब टेक्नीशियन AK मौर्य, नम्रता सिंह, संजय कुमार, शेष चौधरी, उमेश चौरसिया, मनोज पांडे, तेज तिवारी, गीता यादव और श्वेता आदि ने अपनी अहम भूमिका निभाई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अस्पताल ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर SK यादव और CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, तो उसने टच किया तो उससे आपको ब्लड आज राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय गोरखपुर के रक्तकोष में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और जो संस्थाएं नियमित रूप से रक्तदान कर रही हैं या करती आ रही हैं उनको सम्मानित किया गया है। इस अवसर पे हमारे प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय गोरखपुर के डॉक्टर अभय चंद श्रीवास्तव जी ने शिविर का उद्घाटन किया, साथ ही में डॉक्टर AK श्रीवास्तव साहब भी रहे। जितनी भी स्वैच्छिक संस्थाएं थीं उनको प्रशस्ति पत्र दे करके सम्मानित किया गया। इस अवसर पे कुछ संस्था प्रमुखों ने रक्तदान भी किया। इस साल के राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस का थीम जो है वो थी, आइए स्वैच्छिक रक्तदान करें और कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई में सहयोग दें, तथा इसका स्लोगन था, रक्तदान करके देखो अच्छा लगता है। इस परिप्रेक्ष्य में काफ़ी लोग आ रहे हैं समाचार पत्र के माध्यमों से, बैनर पोस्टर को देख करके, और स्वैच्छिक रूप से रक्तदान कर रहे हैं। विश्व रक्तदाता दिवस है, इस पे अवसर पर मैं सभी रक्तदाताओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और हर्ष व्यक्त करता हूं कि बहुत से रक्तदाता हमारे ऐसे हैं जिन्होंने 50-50 बार खून दिया है। और आप जानते हैं खून किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, किसी दुकान में नहीं मिलता, खून एक इंसान से दूसरे इंसान को ही मिलता है। और ये खून हम नालियों में ना बहाएं, बल्कि हम इसको नाड़ियों में बहाएं तो ज़्यादा अच्छा है। एक बोतल खून दान करने से 4 लोगों का भला होता है, क्योंकि हम उसको सेपरेट कर लेते हैं, उसका RBC अलग कर लेते हैं, उसका प्लाज्मा अलग कर लेते हैं, उसकी प्लेटलेट अलग कर लेते हैं और उसका उपयोग जहाँ जिसको ज़रूरत है, जैसे आप जानते हैं डेंगू में प्लेटलेट कम होने लगती है तो हम प्लेटलेट चढ़ाते हैं, तो हम इस तरह से एक ही बोतल से, अगर हमें एक व्यक्ति ने एक बोतल दान किया है तो हम उसके 4 व्यक्तियों की जान बचाने में सक्षम हो सकते हैं। ये बहुत ही पुनीत कार्य है और खून दान करना या रक्त दान करना
जितना महत्वपूर्ण है उतना ही सुखद आनंद होता है इसमें उस व्यक्ति को कि मैंने आज दान किया। स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से 62 साल 60 साल की उम्र तक का है, 55 किलो से ऊपर वजन है, ब्लड प्रेशर उसका नियंत्रित है, शुगर बहुत हाई नहीं है, अन्य कोई ऐसी डिजीज़ जैसे हेपेटाइटिस, कैंसर या अन्य डिजीज़ से ग्रसित नहीं है, वो किसी भी धर्म जाति का हो ब्लड दे सकता है, दान कर सकता है। प्रत्येक 3 महीने में वो दान कर सकता है, क्योंकि जो खून हम दान करते हैं वो हमारे शरीर में 48 घंटे में पुनः बन जाता है, और हमारा खून गाढ़ा न हो इसमें भी फायदा करता है। साथ ही साथ जब हम रक्तदान करते हैं तो उसमें हम उस रक्त को किसी अन्य को चढ़ाने से पहले बहुत सारे टेस्ट करते हैं। उसमें 9 टेस्ट हम ऐसे 8-9 टेस्ट ऐसे करते हैं जिसको कि हम उस रक्तदाता को बताते भी हैं अगर उनमें कोई भी विकार ऐसा आता है, हेपेटाइटिस बी है, HIV है, अगर ये उसमें पकड़ में आता है तो हम उसको सूचित भी करते हैं। इस तरह एक निःशुल्क 7-8 टेस्ट उसकी उसमें जाँच भी हो जाती है। तो ये इतना पुनीत कार्य है, इस अवसर पर उन सभी रक्तदाताओं को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ और जनता से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक रक्तदान करें। इससे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है और इसमें आपके लिए भी फायदे की चीज़ है।